मथुरा पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, मच गई भगदड़। पुलिसकर्मी समेत 12 झुलसे, कई की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दीपावली पर सजे पटाखा बाजार में आग लग गई। आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। घटना में पुलिसकर्मी समेत 12 लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के राय कस्बा में लगे अस्थायी पटाखा बाजार में दीपावली के दिन दोपहर में भीषण आग लग गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राजा कस्बा के मार्च रोड स्थित गोपाल बाग में जिला प्रशासन की ओर से 24 अस्थायी पटाखा दुकान लगाने की अनुमति दी गई थी। दीपावली के दिन दोपहर में लोग यहां खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक पटाखा बाजार में आग लग गई। भारी मात्रा में इस बाजार में आतिशबाजी होने के चलते बड़ा हादसा हो गया और करीब 15 दुकानों पर बिक्री के लिए साझे लाखों रुपए के पटाखे फटने लगे। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। 12 से अधिक लोगों के झुलसने की जानकारी पुलिस ने दी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में भर्ती सभी की स्थिति गंभीर है। इनमें से 4 लोगों को आगरा रेफर किया गया है, बाकी झुलसे लोगों को भी रेफर करने की संभावना है। जिला मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकुंद बंसल ने कहा कि कई लोग झुलसे हैं। गंभीर रूप से जले हुए कुछ युवाओं का उपचार किया जा रहा है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।